अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइब्रोमा। आप इसको रेशादार रसोली भी कह सकते हैं। ये फाइब्रोमास जो हैं बेसिकली रसोली होती हैं और फाइब्रस होती हैं, इस वजह से इसको रेशादार रसोली कहते हैं। ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ या फाइब्रस टिश्यूज़ से बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये हमारी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं और इनका जो काम होता है ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को शेप देते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट और इलास्टिसिटी फ्राहम करते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं हमारी बॉडी के आलमोस्ट हर ऑर्गन में पाए जाते हैं। स्किन जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, स्किन में पाए जाते हैं, टेंडन्स में पाए जाते हैं, जॉइंट्स में पाए जाते हैं, लिगामेंट्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, मसल्स में पाए जाते हैं। यानी हमारी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यूज़ ना पाए जाते हों। और यही वजह है कि जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं वहाँ पर ये फाइब्रोमास जो हैं ये बन सकते हैं। इसके हवाले से चंद बातें जो ज़हन नशीन करने वाली हैं वो ये कि ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, कैंसरस नहीं होते हैं, अमूमन ये पेनलेस होते हैं। और इसके अलावा जो है ये उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जवानी में या एडल्ट एज में पाए जाते हैं। मर्दों की निस्बत औरतें जो हैं ये इससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। ये आपकी बॉडी में, आपके स्किन में, आपके चेहरे पर, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, लंग्स में, हार्ट में, वेजल्स में, कहीं पर भी ये पाए जा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ से बनते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हर जगह कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, लिहाजा ये किसी भी जगह पर फाइब्रोमास जो हैं ये बन जाते हैं। लेकिन इसके हवाले से जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि ये किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बड़े ही हार्मलेस और नॉन डेंजरस किस्म के होते हैं, मां सिवाय चंद एक जो तंग करते हैं या प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। नॉर्मली ये मर्ज जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा नहीं करता है। ये क्यों होते हैं इसके हवाले से किसी किस्म का कोई कॉज नहीं मालूम, ये अननोन कॉज है। जेनेटिक कहा जा सकता है या ये भी कहा जाता है कि अगर फैमिलीज़ में रन करता हो तो ये मसला आगे चल सकता है। और जो हमारी यूट्रस में ये फाइब्रोमास या फाइब्रॉइड्स पाए जाते हैं, इनमें हमारे हार्मोन जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। इनकी मुख्तलिफ किस्में हैं। एक इनकी टाइप जो है वो एनजियो फाइब्रोमा है। ये आम तौर पर हमारे रुखसार्स पे और नाक के ऊपर पाए जाते हैं, यानी हमारे चीक्स के ऊपर और रुखसार के ऊपर पाए जाते हैं। फिर एक इनकी टाइप जो है वो डर्मेटोफाइब्रोमा है। ये आपकी स्किन में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, यूजुअली पेनलेस होते हैं, यानी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करते हैं। बहुत कम रेयर केसेस होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं कि इनमें टेंडरनेस पाई जा सकती है या इनमें ख़ारिश पाई जा सकती है, अदरवाइज़ ये किसी किस्म की कोई दर्द वगैरह पैदा नहीं करते हैं। एक इनकी टाइप ओरल फाइब्रोमा है। ये भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं देते। ये आपकी बकल कैविटी में पाए जाते हैं, यानी आपके मुंह में पाए जाते हैं और आम तौर पर जहां आपके जबड़े के पीछे जहां आपकी चीक्स मिलती हैं आपस में, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। एक इनकी टाइप जो है वो प्लांटर फाइब्रोमा है। ये हमारे पैर की जहाँ पर आर्क बनती है या हमारे पाँव में जहाँ खम पाया जाता है, आप सब जानते हैं कि हमारे पाँव में खम पाया जाता है, मां सिवाय कि चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके पैर जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ज़मीन के साथ लगते हैं। नॉर्मली जो पैर की साख्त है उसमें खम पाया जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर खम पाया जाता है उस जगह के ऊपर ये
फाइब्रोमास जो हैं बन जाते हैं, और ये प्रॉब्लम कर सकते हैं कि क्योंकि आपके पैर में अगर एक गोमर सा बनता है या कोई एक फिब्रॉइड टाइप रसोली टाइप कोई चीज़ बनती है, तो ऑटोमेटिकली जब आप खड़े होंगे या चलेंगे तो उसके ऊपर जब प्रेशर बनेगा तो वो आपको तकलीफ़ कर सकते हैं। एक इनकी जो टाइप है वो यूट्राइन फिब्रॉइड्स की है, यानी हमारी यूट्रस में जो रसोलियाँ पाई जाती हैं ये भी फाइब्रोमा की एक किस्म है। और इसमें आप को यूट्रस के अंदर कैविटी के अंदर भी ये मिल सकते हैं, ये आपको कैविटी के बाहर भी मिल सकते हैं। बहरहाल यूट्राइन फिब्रॉइड्स जो हैं ये बिल्कुल अलग से एक टॉपिक है और एक लेंथी टॉपिक है, और फिर इसके कॉजेज और इसके सिम्टम्स, फिर इसकी ट्रीटमेंट, ये एक पूरा टॉपिक है। अगर आप लोग यूट्राइन फिब्रॉइड्स के हवाले से इंटरेस्टेड हों तो मेरा अब एक टॉपिक है यूट्राइन फिब्रॉइड के ऊपर, आप उसको सुन सकते हैं। एनी हाउ, ये जो यूट्राइन फिब्रॉइड्स हैं ये हमारे यूट्रस कैविटी के अंदर और बाहर भी बनते हैं। ये आमतौर पर हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से ये मसला हमारे सामने आता है। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, इनका साइज़ भी वेरी करता है। लेकिन इनके हवाले से भी एक चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है कि ये कैंसरस नहीं होते हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में प्रॉब्लम करते हैं जब ये अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या इनकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं, ब्लैडर की प्रॉब्लम्स आती हैं या बाउल की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनको वैसे ट्रीट किया जाता है इनके साइज़ के हिसाब से या इनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से कि ये आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं एक दो छोटे मोटे फिब्रॉइड्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं, या फिब्रॉइड्स के साथ ही बच्चे भी पैदा कर लेती हैं और उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैं। सिम्टम्स ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि चंद एक ही हैं जो इसमें सिम्टम्स आते हैं, नॉर्मली ये किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा नहीं करते। मैंने आपको इसकी टाइप्स के साथ ही बता दिया कि ये पेनलेस हैं या एसिम्टोमेटिक होते हैं, या कभी कभार इनमें टेंडरनेस पाई जा सकती है और इचिंग वगैरह इनमें पाई जा सकती है, या यूट्राइन फिब्रॉइड्स के हवाले से है या प्लांटर के हवाले से है कि जब आप चलते हैं तो आपको दर्द हो सकती है। नॉर्मली ये किसी किस्म के आपको सिम्टम्स नहीं देते, यानी आप इनके साथ अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मां सिवाय इसके कि अगर आपको इनसे प्रॉब्लम आती है, या जब आप शेव करते हैं और आपके चेहरे के ऊपर हैं तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, या कपड़े आप जब उतारते हैं या पहनते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम करते हैं, तो उस सूरत में फिर इनको निकलवा दिया जाता है। अदरवाइज़ इनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है कि ये कैंसरस नहीं होते और प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करते। होम्योपैथी में हम अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है पेशेंट को डील करते हैं, और होम्योपैथी में हमारे पास जब फाइब्रोमास के पेशेंट आते हैं या यूट्राइन फिब्रॉइड्स के हवाले से पेशेंट आते हैं या प्लांटर के हवाले से आते हैं, तो फिर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं और पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। नॉर्मली इसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, देखिए ये भी एक तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं, तो जहाँ कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ का नाम आएगा वहाँ आपकी मेडिसिन जो है वो थूजा आएगी। लिहाजा आप इस मसले में थूजा को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप लेपिस को इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप ग्रेफाइट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर ये फिब्रॉइड्स या फाइब्रोमास जो हैं ये ब्लडर डिसऑर्डर पैदा कर रहे हैं, यूरिन के हवाले से प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, तो फिर आपके पास लिलियम है और लैकसिस है, ऑरम है आपके पास। अगर ये ब्लीडिंग कर रहे हैं जैसे कि यूट्राइन फिब्रॉइड्स हैं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन रसोलियों की वजह से जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हमारे पास जो हमारी बेहतरीन अदवियात है सबाइना, ट्रिलियम, मिलीफोलियम, एपिकॉक, चाइना, फेरमफॉस, सेकलकॉर, हम अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको कहा कि आम तौर पर इनको अगर बगैर ट्रीटमेंट के भी आप छोड़ दें तो ये आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप ख़ुद कॉन्शियस हैं, आप इनका इलाज करवाना चाहते हैं या आपके पास इसके पेशेंट आते हैं, तो आप उनको ज़रूर ट्रीट कीजिए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर कीजिए। पेशेंट की हालत जब आपके सामने होगी तो आपको मेडिसिन की सिलेक्शन करने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आप इन दो तीन मेडिसिन को जो मैंने फिब्रॉइड्स यूट्रस के हवाले से बयान की उनके अलावा जो मैंने आपको बताई हैं लेपिस, ग्रेफाइट्स और थूजा, आप इनमें भी इनके
सिम्टम्स देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं किसी और मेडिसिन को कॉल कर रहे हैं, तो आप उस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनमें आपको जो पहली चीज़ है अपने पेशेंट को जो एजुकेट करना है वो ये, तो उन्हें हर हवाले से आपने मुतमईन करना है कि ये जो ट्यूमर बनते हैं या ये जो रसोलियाँ बनी हैं ये कैंसर पैदा नहीं करती हैं, ये बेनाइन होती हैं, इनसे उनकी ज़िंदगी को किसी किस्म का ख़तरा नहीं हो सकता। माँ सिवाय जो मैंने आपको कहा कि फिब्रॉइड यूट्रस में बन रहे हैं तो वो भी वेरी करते हैं अपने साइज़ के ऊपर और अपनी तादाद के ऊपर। अगर यूट्रस फुल पैक है तो ऑटोमेटिकली आपको यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी। अगर यूट्रस में जो फिब्रॉइड्स हैं वो ब्लीडिंग है और हैवी ब्लीडिंग होती है और एच वी लेवल कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली फिर हम पेशेंट को इलाज की तरफ लेके आएंगे, या हम उसे कहेंगे कि वो अपनी यूट्रस रिमूव कर दे, या अगर हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करती हैं या उसके फिब्रॉइड्स को कम करती हैं, तो अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम अपनी उन मेडिसिन का इस्तेमाल करवाएंगे। शिफा देना अल्लाह पाक के हाथ में है, हमारा काम मेहनत करना है। इंशाल्लाह हम मेहनत करते रहेंगे और अल्लाह पाक हमारे मरीज़ों को शिफाए कामला अता करते रहेंगे। शुक्रिया।